नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से राज्यपाल को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में कहा गया है कि उन पर बलात्कार के आरोप है, ऐसे में उन पर कार्यवाही की जानी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि हूबहू इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। देखिए, स्क्रीन पर आप जो लेटर देख रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लिखा गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर की तरफ से ये राज्यपाल को लेटर लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि बलात्कार के आरोपी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कार्रवाई की जाए। आगे लिखा गया है, झारखंड के लिए ये अत्यंत ही दुख का विषय है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बलात्कार के आरोप हैं। ये आरोप तब लगा जब वो 2013 में मुख्यमंत्री थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पद और प्रभाव के बल पर पीड़िता के केस वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया। पीड़िता ने केस को रीओपन करने और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। हम सभी जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगता है तो पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करते हुए त्वरित कार्रवाई करती है, किंतु 2013 के बाद से अब तक मामले को दबाने का ही काम किया जा रहा है, जो कि विधि विरुद्ध है। अतः आपसे आग्रह है, नंबर वन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब त्याग पत्र देना चाहिए। नंबर टू, हेमंत सोरेन पर लगे गंभीर आरोप पर त्वरित कार्रवाई की जाए। नंबर थ्री, चूंकि मामला दो राज्यों के बीच का है, अतः इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। नंबर चार, पीड़िता एवं उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हेतु त्वरित न्याय भी दिलाया जाए। आपको बताएं कि झारखंड में विपक्ष की तरफ से लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर हमला किया जाता रहा है। एक बार फिर से बीजेपी ने ये बड़ा हमला किया है, और इसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें कई मांग की गई है। सबसे पहला इस बात का जिक्र किया गया है कि हेमंत सोरेन को वहां से रिजाइन देना चाहिए, यानी कि इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात का जिक्र इस लेटर में है, वो ये कि क्योंकि ये दो राज्यों का मामला है, ऐसे में इसकी जांच सीबीआई करे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ आगे कहा गया कि पीड़िता को न्याय भी मिले। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाई गई है। अब देखना होगा कि क्या हेमंत सोरेन सरकार पर कार्रवाई होती है, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर राज्यपाल संज्ञान लेते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।